हेलो चैंपियन, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल फैंटेसी टीम भाई एस एल चैंपियन। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाला हूँ केएफसी बिग बॉस लीग का मैच नंबर 13 जो कि खेला जाएगा 1:30 PM। गई देखो, कल ना डबल हेडर मैचेस होंगे, यानी कि एक दिन में दो मैच होगा। पहला मैच दोस्तों देखो 10 बजे यानी कि सुबह के 10 बजे होगा। सेकंड मैच दोस्तों 1:30 PM यानी कि आफ्टरनून में खेला जाने वाला है। तो गाइस देखो, मैं आपको वीडियो में इसी मैच को कवर करके देने वाला हूं। और गाइस देखो, मैं आपको वीडियो में ही आपको मैं स्मॉल लीग टीम भी दूंगा, जो कि गाइस देखो मोस्टली लोग अब क्या है ना कि अब स्मॉल लीग खेलते हैं, लाइक हेड टू हेड 3 मेंबर और 4 मेंबर तक की लीग ही आप मतलब मोस्टली लोग ज्वाइन करते हैं। और मतलब जीएल में देखो लोगों का कुछ इंटरेस्ट काफ़ी कम हुआ है। तो दोस्तों, आपको मैं स्मॉल की टीम भी दूंगा और उसके साथ साथ आपको जीएल जो कि 8 करोड़ वाला जीएल है, इससे भी रिलेटेड मैं आपको कुछ प्रेडिक्शन दूंगा, जो कि गाइस आपके लिए एक ट्रम्प कार्ड साबित होगा। तो दोस्तों, वीडियो को आप फुल वॉच करना। और गाइस देखो यार, वीडियो आपको अच्छी लगे तो दोस्तों देखो वीडियो को यहाँ पे सपोर्ट करना। गाइस, आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो दोस्तों वीडियो को लाइक करके स्टार्ट करना। और अगर आपने अभी तक हमारे छोटे से चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आए। ठीक है दोस्तों, यार देखो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक और बात यार जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगी दोस्तों, आपको मेक श्योर आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। उसके लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगा, तो आप वहां से आप जाकर सिंपली हमारे टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ सकते हो। गाइस देखो, यहाँ पे आपको फाइनल टीम और फाइनल अपडेट आपको सारा का सारा हमारे टेलीग्राम चैनल पर ही मिलेगा। तो गाइस, आप यहाँ पर खेलकर आप देखो काफ़ी अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हो। ठीक है, और जो भी यार अपडेट्स है और जो भी यहाँ पे टीम है, लाइक कबड्डी की, फुटबॉल की, बास्केटबॉल की और क्रिकेट की, सभी यहाँ पर बिल्कुल फ्री में मिलती है दोस्तों। आप यहाँ पर खेलकर काफ़ी अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हो। तो गाइस देखो, यहाँ पर जो ना आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों, मैं फटाफट से यार आपको मैं मैच को लेकर आता हूँ। मैं आपका देखो ज़्यादा यहाँ पर टाइम नहीं लूँगा। अगर डेट इन टाइम की बात कर ले तो ये मैच 23 दिसंबर 1:30 PM को ये मैच होगा। वेन्यू की बात करूँ तो ये मैच द गाबा जो कि ब्रिस्बेन में, हाल ही में दोस्तों यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका का मैच हुआ था कुछ दिन पहले ही, 3-4 दिन पहले। और गए देखो, 2 दिन में मैच खत्म भी हो गया, ऑस्ट्रेलिया वहाँ पे जीत भी गई। ठीक है, अब बात कर लूँ कि दोनों टीम का ओवरव्यू क्या है। तो गए देखो, लास्ट 5 मैच से ब्रिस्बेन हीट हार के ही आ रही है, यानी कि लास्ट 5 मैच जिसमें से 3 मैच तो गए देखो पिछले साल के हैं। और गए देखो, इस साल भी बैक टू बैक मैच ये लॉस की है। और अगर वही बात कर लेते हैं एडिलेड की, तो गाइस यहाँ ये लास्ट 5 मैच से ओनली ओन 1 मैच हारी है, वो भी लास्ट ईयर। और अभी गाइस देखो बैक टू बैक मैच ये जीत के आ रही है। ठीक है, तो गाइस यहाँ पे यार देखो टीम के थोड़ा सा माइंडसेट पे थोड़ा सा फर्क पड़ता है। एक टीम अपनी सारी मैचेस जीत के आ रही है और एक टीम अपनी सारी मैचेस हार के आ रही है। ठीक है, बात कर लेते हैं दोस्तों की टीम यहाँ पर पिच रिपोर्ट कैसी रहती है। दोस्तों, एक ये बैलेंस पिच रहेगा और गाइस आई थिंक आपको ये मतलब यहाँ पर देखो रन भी आपको ठीक ठाक बनते हुए दिखाई देंगे। यहाँ पर देखो टोटल यहाँ पर 50 मैच हुए हैं अभी तक 2020 के, जिसमें से दोस्तों 23 मैच ना बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम ने यहाँ पे विन किया है और रन चेस करने वाली टीम ने यहाँ पे 26 मैचेस विन किया है। तो गाइस यहाँ पे जो टीम सेकंड बैटिंग करती है, यानी कि जो टीम रन को चेस करती है, उनका देखो यहाँ पे वो देखो यहाँ पे थोड़ा सा डोमिनेट करती है। ठीक है, अगर फर्स्ट इनिंग की एवरेज स्कोर की बात करूँ तो दोस्तों यहाँ पर 160 यानी कि 160+ का यहाँ पे एवरेज स्कोर रहा है, यानी कि गाइस देखो यहाँ पे रन भी आपको बनते हुए दिखाई देंगे और दोस्तों यहाँ पे विकेट भी आपको जाते हुए दिखाई देगी। ठीक है, बात कर लेते हैं दोस्तों दोनों टीमों की हेड टू हेड रिकॉर्ड क्या है। तो दोस्तों लास्ट 3 ईयर में गाइस देखो टोटल 8 मैचेस ये टीम आपस में खेली है, जिसमें से दोनों टीमों ने इक्वल ही विन किया। तो गाइस अगर इनके हेड टू हेड की अगर बात कर ले तो गाइस देखो दोनों में विनिंग रेशियो बिल्कुल सेम ही है। ठीक है, तो अगर इन दोनों टीमों में जो मैचेस होते हैं वो गाइस देखो बिल्कुल कांटे की होती है। ठीक है, अब गाइस यहाँ पे बात करते हैं दोनों टीमों की प्लेइंग 11 क्या रहेगी। गाइस देखो, मैंने सभी प्लेयर्स का यहाँ पे मैंने रिकॉर्ड भी मैंने ऐड किया है। अगर मैं बताना स्टार्ट कर दूँ तो गाइस देखो वीडियो काफ़ी बड़ी होगी और गाइस आपको ओनली ओन यहाँ पे रिकॉर्ड से मतलब है, तो आप चाहो तो यहाँ पर स्क्रीन शॉट भी लेकर आप चल सकते हो। ठीक है, और अगर पहले यहाँ पे बात कर लेते हैं ब्रिस्बेन हीट की, तो गाइस यहाँ पे मैक्स ब्रांट और कॉलिन मनरो ओपनिंग करने आएगा। नंबर 3 पे मैट रेंसो, नंबर 4 पे सैम बिलिंग, नंबर 5 पे जिमी पेरिसन जो कि कैप्टन और साथ ही साथ विकेट कीपर भी है, नंबर 6 पे रॉस वेस्टली, देन गाइस यहाँ पे मिचेल नसीर जो कि एक मैच में गाइस उन्होंने 4 विकेट लिया था वो भी लास्ट मैच में, जेम्स बेजिल यहाँ पर राइट आर्म मीडियम 2 मैच में गाइस इनको 2 विकेट मिला था वो भी पहले ही मैच में। ठीक है, देन गाइस यहाँ पे मार्क अस्टिकी ये भी राइट आर्म फास्ट मीडियम है, 2 मैच में इनको भी 3 विकेट मिला है। देन दोस्तों यहाँ पे
मिचेल स्वेप्सन दो मैच में एक एक विकेट, लास्ट मैच में दोस्तों इनका भी खाता खाली रहा था। और देन गाइज यहाँ पे मैथ्यू गुडमैन जो कि ये स्लोअर वन है और गाइज देखो ये भी लेफ्ट आर्म बॉलर है और गाइज इनको भी दो मैच में तीन विकेट मिला था जो कि पिछले ही मैच में यानी कि पहले ही मैच में इनको विकेट मिला था तीन का तीन। तो गाइज ये इनकी प्लेइंग इलेवन रहेगी। बात कर लेते हैं दोस्तों एडिलेड की, तो गाइज देखो यहाँ पे जैक वेदरलैंड और मैट शॉट जो कि राइट हैंडेड कॉम्बो और लेफ्ट हैंडेड कॉम्बो दोनों गाइज ये ओपनिंग करने आएंगे। आप देखो इनका रिकॉर्ड आप देख लो, मैट शॉट गाइज देखो कभी कभी 102 और यहाँ पर बॉलिंग भी करता है। पहले मैच में दोस्तों इनको एक विकेट ही मिला था, सॉरी सेकेंड मैच में, ठीक है। नंबर तीन पर खेला क्रिस ली, नंबर चार पे एडम होस, तीन मैच में 72 रन और गाइज देखो 36 का एवरेज है, ठीक है। और अभी तक गाइज इन्होंने हेड टू हेड में भी एक भी मैच खेला नहीं है। कॉलिन डी ग्रैंडहोम तीन मैच में दोस्तों 52 रन और दो विकेट, तो गाइस ना ही बल्ले से ना ही यहाँ पर बॉलिंग से कुछ उतना खास परफॉर्मेंस आया, बट दोस्तों प्लेयर बहुत ज़्यादा अच्छा है। देन दोस्तों यहाँ पे थॉमस केली राइट हैंडेड बैट्समैन तीन मैच में 16 रन, हैंडी नेल्सन तीन मैच में 13 रन और गाइस आई थिंक ये मतलब आपके लिए उतना खास प्लेयर भी नहीं है क्योंकि दोस्तों इनकी बैटिंग ही नया सातवें या छठे नंबर पे आती है। इस ईयर पहले आपको राशिद खान ही बैटिंग करने आपको आ जाएगा, ठीक है। राशिद खान जो कि लेग स्पिनर है, तीन मैच में दोस्तों इनको 4 विकेट मिला है। दोस्तों ये विकेट टेकर स्पिनर है और गाइस देखो कभी भी ये मैच में वापसी करवा सकता है। देन दोस्तों यहाँ पे वेस्टनडेगर राइट आर्म फास्टर तीन मैच में दोस्तों इन्हें भी 4 विकेट मिला था और 4 का 4 दोस्तों इनको एक ही मैच में यानी कि सेकंड मैच में इनको मिला था। देन दोस्तों यहाँ पे हैंडी थॉर्टन तीन मैच में दोस्तों 11 विकेट और दोस्तों अभी तक बिग बैश लीग का हाईएस्ट विकेट टेकर है और गाइज आई थिंक इनको हर मतलब मैच में 1-2 विकेट आपको ये लेकर दे ही देगा। और देन दोस्तों यहाँ पे पीटर सिडल एज अ कैप्टन राइट आर्म फास्ट मीडियम अभी तक दोस्तों इनका भी खाता खाली है, तो आई थिंक दोस्तों आपके लिए ग्रैंड लीग के लिए एक अच्छा खासा सिलेक्शन रहेगा। तो गाइज ये थी एडिलेड स्टैगर की प्लेइंग 11। बात कर लेते हैं दोस्तों टॉपिक्स क्या है हेड टू हेड रिकॉर्ड। दोस्तों यहाँ पे थॉमस के लिए राशिद खान, वेस्टनडेगर, कॉलिन मनरो, जिमी पेरिसन और जेम्स बेजली इनका जो कोई रिकॉर्ड हेड टू हेड में काफ़ी बेहतर है, तो गाइज आई थिंक आप चाहो तो इनको अपनी टीम में चांस दो। बट गाइज देखो थॉमस के लिए इनका यार देखो बैटिंग ऑर्डर काफ़ी नीचे है। राशिद खान जो कि यार बॉलिंग करता है आपको देखो ओनली ऑन विकेट्स ही पॉइंट ला कर देगा, बैटिंग देखो इनका भी काफ़ी नीचे है। वेस्टनडेगर जो कि ये भी यार राइट आर्म फास्टर है और गाइज 5 मैच में इनको 10 विकेट मिला है और राशिद खान का 8 मैच में 19 विकेट। तो गाइज ये दोनों बॉलर को आप चाहो तो अपनी टीम में ट्राई करके चलना। कॉलिन मनरो तीन मैच में 125 रन 62 का एवरेज, तो आई थिंक आपके लिए ये भी एक अच्छा खासा चॉइस रहेगा। अगर आप अपनी ग्रैंड लीग की टीम में कैप्टन वाइस कैप्टन करना चाहो तो आप देखो इनके साथ भी आप देखो जा सकते हो, ठीक है। अगर सेफ सिलेक्शन की बात कर ले कैप्टन वाइस कैप्टन का सेफ सिलेक्शन दोस्तों आपके लिए मैट शॉट, मिचेल नसीर, हैंडी थॉर्टन और राशिद खान दोस्तों ये आपके लिए सेफ ऑप्शन रहेंगे। रिस्की ऑप्शन की बात कर लो जो कि आप अपनी ग्रैंड लीग की टीम में या अपनी मिनी लीग की टीम में आप ट्राई कर सकते हो दोस्तों आपके लिए क्रिस लिन, कॉलिन मनरो, सैम बेलिंग, मैट रेंसो और जैक वेदरलैंड रहने वाला है। बात यहाँ पे कर ले दोस्तों कि हमारी ड्रीम इलेवन की टीम क्या होगी, तो गाइज देखो यहाँ पर अभी के लिए दोस्तों ये मेरी टीम है कैप्टन, गाइज देखो मेरा मैट शॉट रहेगा जो कि आपको ओपनिंग में बैटिंग और साथ ही साथ 1-2 ओवर आपको बॉलिंग भी करके देगा। वीसी गाइज देखो मेरा पे हैंडी थॉर्टन है जो कि दोस्तों तीन मैच में दोस्तों अभी तक 11 विकेट इन्होंने लिया है। अगर आप थोड़ा सा अलग हट के यहाँ पे जाना चाहो तो आप चाहो तो यहाँ पे कॉलिन मनरो और राशिद खान के साथ भी आप देखो दोस्तों कैप्टन वाइस कैप्टन आप देखो जा सकते हो, ठीक है। बाकी गाइस देखो फाइनल टीम आपको टॉस के बाद लाइनअप आने के बाद हमारे टेलीग्राम चैनल पे अपडेट करा दी जाएगी, इसलिए अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आप दोस्तों यहाँ पे जुड़ना बिल्कुल मत भूलना। और दोस्तों आई होप यार वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो दोस्तों वीडियो को लाइक करना मत भूलना और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना, ठीक है। और अगर जीएल का अगर यहाँ पे बात करूँ दोस्तों बॉर्डर में आपके लिए पीटर सिडल, ऑलराउंडर की बात करूँ तो दोस्तों यहाँ पे मैट रेंसो आपके लिए एक अच्छा खासा ऑप्शन रहेगा। अगर बैटिंग की बात करूँ तो गाइस यहाँ पे कॉलिन मनरो को अपनी टीम में कैप्टन वाइस कैप्टन आप देखो ट्राई करके चल सकते हो और फिर दोस्तों यहाँ पे जैक वेदरलैंड ये भी दोस्तों आपके लिए एक अच्छा खासा ऑप्शन रहेगा। तो आप चाहो तो इनको अपनी जीएल में मल्टीपल टीम के साथ भी आप देखो इन प्लेयर को आप देखो ट्राई कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए दोस्तों बेस्ट।